नमस्कार दोस्तों, आइए आज उस व्यूअर्स की क्वेरी ले। ये हमारे एक व्यूअर हैं भानु खरे, उन्होंने पूछा है कि साहब, दे कुड विन द मैच एंड दे कुड हैव वन द मैच, इनमें अर्थ में क्या फर्क है, इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है। दे कुड विन द मैच, ये हम एक तरह से जब मैच होना हो उससे पहले जैसे बात कर रहे हो उस स्थिति को दिखाता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरी मॉडल्स पे एक वीडियो है, हालांकि मॉडल्स पे एक ही वीडियो बनी है, बाकी बनाने का भी टाइम नहीं लगा है, तो उसको एक बार देख लें, उसमें कुड का मीनिंग थोड़ा साफ हो जाएगा। दे कुड विन द मैच का मतलब है वो मैच भी जीत सकते हैं, आगे की संभावना के बारे में कहा जा रहा है। और जब आप कहते हैं दे कुड हैव वन द मैच, इसका मतलब है कि जो घटना बीत चुकी है उसके बारे में अब आप अपने इफ एंड बट्स बता रहे हैं कि वो मैच जीत सकते थे, इसका मतलब ये, पर ये हो गया या ऐसा नहीं होता तो जीत सकते थे, इस स्थिति में आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब है वो मैच जीत सकते हैं जो अभी होना है, और इसका मतलब है वो मैच जीत सकते थे जो कि हो चुका। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे व्यूअर हैं गरिमा पालीवाल, उन्होंने लिखा है कि साहब, जो सब्जेक्ट वॉल्व एग्रीमेंट में आपने बताया था कि किसी बुक का टाइटल अगर ऐसा है कि उससे लगे कि प्लूरल कोई चीज है, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स किताब का नाम है, बट उसमें ट्रेवल्स आने से ऐसा लगता है जैसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ जो वर्ब आएगी प्रेजेंट टेंस वाली, उसको हम सिंगुलर वर्ब लगाएं वहां पर या प्लूरल वर्ब लगाएं, तो हमें कैसे पता चले। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर ऐसा सेंटेंस हो, एक्स वाई जेड आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरीज That I have ever read. देखिए साहब, पहले तो यही क्लियर है, जब सेंटेंस में स्टोरीज होगा इसका मतलब कहानियां है, तो आप बुक को नहीं बता रहे हैं, आप एक एक स्टोरी को ले रहे हैं, तो चाहे वो एक ही बुक में हो उसके वॉल्यूम डिफरेंट हो, चाहे हर चैप्टर में एक स्टोरीज हो, एक स्टोरी हो, अगर आप यहां स्टोरीज लिख देते हैं तो आप बुक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट बुक नहीं है,